ट्रेंडिंग टेम्पटिंग ड्रीम केक या 5-in-1 टोट केक। नॉर्मली मैं स्वीट्स थोड़ा कम पसंद करती हूँ, लेकिन ये ड्रीम केक बना के टेस्ट किया तो 2 स्पून ज़्यादा ही खा लिया। टेस्टी, यामी, डिलीशियस। एक बार खाएगा तो बार बार खाने का मन आपको भी करेगा। एगलेस ड्रीम केक 5 लेयर्स में बनाया मैंने। और रेसिपी दिखाने से पहले, जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के ऑल दबाओ, ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इधर मैं ओवन सेटअप करके केक बना रही हूँ। इसके लिए मैं एक बड़ा सा एल्युमिनियम बर्तन लिया और इसको 10 मिनट मीडियम फ्लेम में प्री हीट करके ले लूँगी। केक बनाने के लिए एक चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी करने का, इसके लिए एक केक टिन लेके उसमें थोड़ा सा ऑयल का ग्रीसिंग करके लेती हूँ। ग्रीसिंग के लिए आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया और एक बटर पेपर को केक का टिन का साइड्स में काट के लिया और उसको रख के उसको भी ऊपर से ऑयल का ग्रीसिंग करके इसको साइड में रखने का है। अभी नेक्स्ट स्टेप में ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी कर रही हूँ। इसके लिए 1 बाउल मैदा लिया और उसमें से 3 टेबलस्पून मैदा निकाल के वो 3 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया। इसको छलनी में डाल देती हूँ और इसके साथ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कौन सा भी कंपनी का ले सकते हैं आप। ध्यान में रहे, ज़्यादा पुराना इंग्रेडिएंट्स यूज़ मत करो। साथ में 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया और सबको बैलेंस करने के लिए 1 पिंच सॉल्ट ज़रूरी है। सब इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद धीरे से स्पून में छलनी में से छान के लेने का। छानने के बाद वापस एक बार स्पून से अच्छे से मिक्स करके दे दो। मिक्स किया हुआ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को साइड में रख लेती हूँ और नेक्स्ट एक बाउल लेके उसमें वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करती हूँ। नॉर्मली इसमें अंडा यूज़ होता है, उसके बदले में मैं एक बाउल फ्रेश कर्ड लिया। आप स्वीट लवर है तो 1 बाउल मैदा के लिए 1 बाउल शक्कर ले सकते हैं। मैं इधर आधा शक्कर लिया, आधा बाउल, ताकि आगे बहुत सारा चॉकलेट भी यूज़ करने का है। और साथ में 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, ऑलमोस्ट 1/4 कप हो जाता है। सबको मैनुअल या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से मिक्स करके लेने का। दही, शक्कर, ऑयल सब अच्छे से मिक्स होते एक क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, तब तक आपको मिक्स करके लेने का। अंदाज से 4 से 5 मिनट में सब मिक्स होके एक क्रीमी टेक्सचर आ गया। अभी इसको अभी बना के रखा हुआ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा डाल के धीरे धीरे मिक्स करके देने का। ड्रीम केक का बैटर कंसिस्टेंसी थोड़ा लूसी रहता है, आपको इंग्रेडिएंट्स सब मिक्स करने के बाद बैटर थिक लगेगा। थोड़ा सा वार्म वाटर डाल के बैटर को लूज करके ले लेने का। ये कंसिस्टेंसी में आना चाहिए बैटर। अभी इसको रेडी करके रखा हुआ केक टिन में डाल के 2 बार अच्छा सा टैप करके देने का, ताकि उसका एयर बबल्स पूरा निकल जाए। और प्री हीट के लिए रखा हुआ ओवन सेटअप में एक प्लेट रख लेने का नीचे, और रेडी करके रखा हुआ केक टिन को रख के ढक के इसको 40 से 45 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम में बेक करके लेने का। मुझे बराबर 45 मिनट्स में चेक किया तो अच्छा सा बेक होके मिला था। चेक करते टाइम बैटर इसमें स्टिक हो गया तो वापस लो फ्लेम में रख के एक 5 मिनट बेक करके लेने का। इधर अभी सब बराबर बेक हो गया तो मैं निकाल के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। इसी टाइम केक का नेक्स्ट लेयर बनाने के लिए एक बाउल में 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। साथ में 1/2 टेबलस्पून वेनिला एसेंस डाल के 12 से 15 मिनट तक व्हिप करके ले लूँगी। ठंडी के मौसम में व्हिपिंग क्रीम जल्दी रेडी होता है और गर्मी के मौसम में या ह्यूमिड ज़्यादा है तो एक ट्रे में आइस क्यूब डाल के उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम बाउल रख के व्हिप करके लेने का, या व्हिप किया हुआ क्रीम को 2 से 3 मिनट तक फ्रीज़र में रख के बाद में ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर लेने का। इधर अभी ऑलमोस्ट क्रीमी टेक्सचर आ गया तो मैं अभी इसको थोड़ा सा 2 मिनट फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तब तक केक रेडी करने के लिए टिन का राउंड बॉक्स ले रही हूँ। घर का यूज़ के लिए तो नॉर्मल ग्लास का या स्टील का बाउल में भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद ठंडा होने के लिए रखा हुआ चॉकलेट स्पॉन्ज को डीमोल्ड करके लेने का और उसका बटर पेपर भी पूरा निकाल के, ये अभी एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट बेस रेडी हो गया। इतना पूरा थिक वाला
स्पॉन्ज का ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं आधा सा काट के ले लेती हूँ। अंदर भी एकदम अच्छा बेक हुआ है और एकदम सॉफ्ट चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी है। इसको मैं अभी एक टिन में रख के चॉकलेट स्पॉन्ज के ऊपर स्प्रेड करने के लिए, एक शुगर सिरप बनाने का, इसके लिए एक बाउल में 2 टेबलस्पून शुगर डाल के थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके सिरप बना के लेती हूँ। साथ में मैं अभी एक जुगाड़ बना रही हूँ। मैंने जो बेक किया तो वो टिन थोड़ा छोटा था, अभी सेट करने के लिए लिया हुआ टिन थोड़ा बड़ा है, तो एक्स्ट्रा जो स्पॉन्ज था उसको बराबर काट के टिन में सेट कर रही हूँ, तो केक भी बड़ा हो जाएगा और मुझे सेट करने के लिए भी इजी लगेगा। इसके ऊपर अभी बना के रखा हुआ शुगर सिरप, अच्छा पूरा आधा बाउल शुगर सिरप मैंने इसमें ऐड किया है, अच्छा सा सेट करके ले रही हूँ। और 2 मिनट सेट होने के लिए फ्रीज़र में रखा हुआ व्हिपिंग क्रीम लेके केक का सेकेंड लेयर बना रही हूँ। सेकेंड लेयर मैं खाली वैनिला व्हिपिंग क्रीम से बना के ले रही हूँ और इसको अच्छा सा स्प्रेड करके 2 मिनट फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखने का। तब तक तीसरा लेयर का रेडी करते हैं। तीसरा लेयर मैं चॉकलेट घनेश का बना रही हूँ। इसके लिए एक बाउल में 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया और थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छा सा मिक्स करके ले लेती हूँ। और मैं चॉकलेट घनेश के लिए अमूल का डार्क कॉम्पाउंड ले रही हूँ और उसके साथ नॉर्मल डायरी मिल्क चॉकलेट, डायरी मिल्क सिल्क लिया है। इसको दोनों 50-50 ग्राम के अंदाज से कॉर्नफ्लोर का पानी में मिक्स करके इसको अभी डबल बॉईल करके लेती हूँ। इसके लिए एक बाउल में पानी गर्म करके उसके ऊपर मैं ये चॉकलेट का डार्क कॉम्पाउंड और नॉर्मल चॉकलेट डाल के अच्छे से मेल्ट करके ले लेती हूँ। पूरा मेल्ट होने के बाद नीचे रखा हुआ गर्म पानी का बाउल हटा लेने का और ये मेल्ट किया हुआ चॉकलेट सिरप को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देने का। और चॉकलेट गनाशे ठंडा होते फ्रिज में सेट होने के लिए रखा हुआ केक को निकाल के चॉकलेट गनाशे डाल के स्प्रेड करके लेने का। गनाश अच्छे से स्प्रेड होने के बाद इसको वापस 2 मिनट फ्रीज़र में रख के सेट कर लेने का। तब तक हम फोर्थ लेयर का तैयारी करते हैं। फोर्थ लेयर में चॉकलेट मोस और हेज़लनट का दे रही हूँ। इसके लिए मैं डायरी मिल्क सिल्क का हेज़लनट चॉकलेट ले रही हूँ। इसको भी एक 50 ग्राम का अंदाज से लिया और इसको बाउल में पानी गर्म करके डबल बॉईल करके मेल्ट करके ले रही हूँ। मेल्ट होते गर्म पानी का बाउल हटा के इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देने का। चॉकलेट सिरप ठंडा होते उसमें 2 टेबलस्पून व्हिपिंग क्रीम लगा के स्पून से ही अच्छा सा मिक्स करके थोड़ा सा थिक टेक्सचर आना चाहिए इसका, तब तक हाथ से मिक्स करके देने का। अभी एक क्रीमी लुक आया इसका, इतना क्रीमी होना चाहिए। इसके बाद सेट करने के लिए रखा हुआ केक को निकाल के उसके ऊपर फोर्थ लेयर डाल के स्प्रेड कर लेने का। इसमें नट्स बहुत ज़रूरी है, नट्स की वजह से केक का टेस्ट डबल हो जाता है। अगर हेज़लनट नहीं मिला तो आप कैश्यू भी डाल सकते हैं। फोर्थ लेयर कंप्लीट होने के बाद इसको वापस फ्रीज़र में रख के 2 मिनट सेट कर लेने का। तब तक हम फिफ्थ लेयर का तैयारी करते हैं। फिफ्थ लेयर में मैं ख्याली चॉकलेट्स का एक लेयर दे रही हूँ। इसके लिए पहले का थोड़ा सा डार्क चॉकलेट कंपाउंड बचा था और उसके साथ डायरी मिल्क ऐड करके डबल बॉईल करके मेल्ट करके लेती हूँ। चॉकलेट पूरा मेल्ट होने के बाद फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखा हुआ केक को लेके उसके ऊपर फिफ्थ लेयर लगा रही हूँ। खाली चॉकलेट का लेयर है और टॉप लेयर थोड़ा सा हार्ड रहता है। चॉकलेट सिरप को डाल के धीरे से स्प्रेड करके देने का और एक 5 से 10 मिनट तक इसको वापस फ्रीज़र में रख के सेट करके लेने का। 10 मिनट फ्रीज़र में सेट होने के बाद निकाल के फ्रिज में रख सकते हैं और काटने से पहले फ्रिज में से निकाल के कटिंग करने का। पहले बाहर रखेंगे तो इसका टॉप लेयर सॉफ्ट हो जाएगा। आपको कड़क टॉप लेयर चाहिए तो फ्रिज में रख के यूज़ करने का। अभी ये पूरा सेट हो गया और ऊपर का लेयर भी एकदम क्रिस्पी हो गया है। इसके ऊपर मैं अभी एक हैप्पी बर्थडे का लेबल लगा के थोड़ा कोको पाउडर लगा के डेकोरेट करके लेती हूँ। ये टॉप लेयर खाली कोको पाउडर से है। आप सबको ये ट्रेंडिंग ड्रीम केक या टोट केक का रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को एक लाइक देना मत भूलो। और एक टेम्प्टिंग रेसिपी के साथ आने तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।